ब्रह्मांड अपने भीतर न जाने कितने रहस्यों को छुपाए हुए हैं, जिन्हें आज तक विज्ञान भी ठीक ढंग से समझ नहीं सका, जो आज भी अनसुलझे हैं। अंतरिक्ष सदा ही हमारी जिज्ञासाओं का केंद्र रहा है। यह ग्रह, नक्षत्र और तारे के साथ हमारा रिश्ता काफ़ी पुराना है। इस अनंत असीमित ब्रह्मांड में लाखों रहस्य छुपे हैं। जैसे जैसे विज्ञान का दायरा बढ़ा, वैसे वैसे ब्रह्मांड के रहस्यों का उजागर हुआ। विज्ञान ने ब्रह्मांड को देखने का अलग ही नज़रिया हम लोगों को दिया है। आज हम भले ही बहुत आगे बढ़ गए हैं, पर जो मूलभूत सवाल थे, जैसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसे कौन चला रहा है, ब्लैक होल क्या है, इसके अंदर क्या है, ऐसे न जाने कितने सवालों का उत्तर हमें अब तक पता ही नहीं लग पाया। आज भले ही ये रहस्य हमारी समझ से परे लग रहे हो, उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में विज्ञान इनकी पहेलियों को सुलझाएगा और अंतरिक्ष की एक व्यापक तस्वीर हमारे समक्ष खड़ी करेगा। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि अंतरिक्ष के सबसे बड़े रहस्यों को, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। बिग बैंग ब्रह्मांड की शुरुआत की सबसे प्रचलित वैज्ञानिक धारणाओं में से एक बेल्जियम के एक खगोलविद जॉर्ज हेनरी लेमेत्री ने इस सिद्धांत को दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 14.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा भौतिक पदार्थ और अस्तित्व एक बिंदु में कैद था। अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और समय, स्पेस और मैटर अस्तित्व में आए। यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने की शुरुआत हुई। तब से ब्रह्मांड नियंत्रण फैलता जा रहा है, पर कई बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी एक कल्पना है। उनका कहना है कि किसी भी घटना को घटित होने के लिए समय की जरूरत होती है। बिग बैंग थ्योरी से पहले समय नहीं था। बिना समय की उपस्थिति के बिग बैंग घटित कैसे हुआ? अचानक से समय की उपस्थिति बिग बैंग की घटना से कुछ क्षण पहले कैसे हुई? बिग बैंग थ्योरी के पास इस सवालों का कोई ठोस उत्तर नहीं है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ब्रह्मांड अचानक स्वतः ही स्फुर्त होकर आया। बिग बैंग हमारी अब तक की ज्ञात जानकारियों में से सबसे सटीक सिद्धांत है, पर यह कितना सच है इसका कोई प्रमाण हमारे पास अब तक नहीं है। इस सिद्धांत के भीतर कई बड़े अंतर्विरोध हैं। इस रूप में ब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ, यह आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। आखिर हमारा ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है? अब तक के हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में 150 बिलियन आकाश गंगाओं का हमें पता चला है। ये हमारी सीमा है ब्रह्मांड को जांचने की। ब्रह्मांड इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है, या कहें अंतहीन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम ने अपने शोध में पाया कि अब तक के ज्ञात ब्रह्मांड में हमने जितनी आकाश गंगाओं को जाना है उनकी संख्या 250 गुना और अधिक हो सकती है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि आप इसे पूरा लिखकर ब्राउजर पर सर्च करेंगे तो आपका ब्राउजर क्रैश हो सकता है। इस अनंत विशाल ब्रह्मांड के विषय में अब तक हमने बस इतना ही जाना है। कई बड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जानकारी महज एक मटर के दाने के बराबर है। अंतरिक्ष इससे कहीं ज़्यादा विशाल है।